हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे यार्टवी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। और ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि मैडम आप साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसके ऊपर एक वीडियो कीजिए। तो आज हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए, और आपके मन में ये होता होगा कि यार्टी जब लेते हैं जो एंटी रेट्रोवायरल थेरापी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं क्या? तो हाँ आते हैं। अभी ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो जितने भी मरीज है वो सबको ही आते हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी को साइड इफ़ेक्ट्स आते ही नहीं तो किसी मरीज को साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो पहले जो हम देखेंगे कि PLD, आज 96% जो मरीज है वो TLD पे है और अनकॉमन कौन से है ये भी हम देखते हैं और रेयर भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉमन इसमें अगर देखें तो जो पेट के संदर्भित है, वोमिटिंग है, उल्टी जुलाब है, पेट में दर्द होना है। दूसरा जो कॉमन जो है वो कभी कभी पेशेंट को नींद नहीं आती और अपने दिमाग के ऊपर का भी किसी किसी में वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और रेयर होते हैं कि चक्कर आना और सोचते ही रहना, सुसाइडल टेंडेंसी जो बोलते हैं वो होना, ये होता है। तो चलिए आज हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं टीनोपोविर। ये न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, NTRTI, और टीनोपोविर TDM भी बोलते हैं। तो ये पोटेंट ड्रग्स है और ये HIV-1 और HIV के ऊपर काम करता है और ये हिपेटाइटिस बी के ऊपर भी काम करता है। और ये अपना जो नैको है उसमें वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। जिसके साइड इफ़ेक्ट्स को जो बोलते हैं उसको फैंकोनिस सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें ग्लाइकोसूरिया होता है, मीन्स अपने यूरिन में शुगर जाती है वो नॉर्मल होती है, यूरिन में प्रोटीन्स भी जाते हैं, फॉस्फेटेमिया जो इसका फॉस्फेट जो होते हैं लेवल वो भी यूरिन में जाती है लेकिन वो कम प्रमाण में होती है, और यूरिसेमिया भी होता है फास्ट फूड। और दूसरा उसको फैंकोनिस सिंड्रोम बोलते हैं। और दूसरा जो है वो बोन मिनरलाइजेशन और ऑस्टियोपेनिया होता है, मीन्स जो हड्डियां है उसमें से विटामिन D3 कम होता है और वो किडनी पे भी असर करता है टीनोपोविर। उसका एजोटेमिया और कभी कभी रेयर है और रीनल फेल्यूर भी ये देता है। अभी जो दूसरा NRTI है वो जुडोविडिन है। वो जुडोविडिन ये थाइमिडिन का एक एनालॉग है और ये HIV-1 और HIV-2 पेशेंट के ऊपर उसका असर होता है। और ये दूसरा वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है, मीन्स माँ टू बच्चों के लिए जो ये होता है ट्रांसमिशन, वो भी वो ट्रांसमिशन रोक देता है। दूसरा जो NRTI है वो जुडोविडिन है। वो जुडोविडिन इस थाइमिडिन एनालॉग है और वो बहुत HIV-1 और HIV-2 पे उसका असर होता है। और ये क्या करता है, ये अपना वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है मीन्स मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है वो भी वो कम करता है। और ये हमेशा फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। ये सिरप में भी अवेलेबल है और टैबलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। एडल्ट डोज के लिए वो जुडोविडिन 300 mg ट्वाइस अ डेली देते हैं और उसके एडवर्स रिएक्शंस जो है साइड इफ़ेक्ट्स, वो एक तो वो बोन मैरो सप्रेशन करता है, मीन्स एनीमिया और न्यूट्रोपिनिया होता है उसमें, मीन्स खून की मात्रा वो कम करता है। दूसरा पेट के संदर्भ जो होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, उल्टी, जुलाब, ये जो होते हैं एनोस्मिया, उल्टी जैसा होना, ये भी वो देता है।
कभी कभी वो सीवियर हेडेक भी देता है और मायोपैथी भी देता है, और अगर उसका टेस्ट किया तो लैक्टिक एसिडोसिस भी देता है, और अपने स्किन पे वो हाइपर पिगमेंटेशन भी देता है। तो ये इसका हो गया, जिडोविडिन का हो गया। अभी लैमिविडिन का देखेंगे तो लैमिविडिन जो है वो प्रीटीसी उसको बोलते हैं, वो भी HIV 1, HIV 2, HIV 3 ABV पेशेंट के लिए, मीन्स जो हिपेटाइटिस बी पेशेंट है उसके ऊपर भी वो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। और ये एक्सेलेंट ड्रग है और वो हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। आपने देखा होगा TLD, ALD, इसमें ये यूज़ होता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है, वो लेस टॉक्सिक है। और वो अगर जिडोविडिन या स्टाविडिन के साथ दिया गया तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन अभी स्टाविडिन तो यूज़ नहीं हम करते हैं। कभी कभार जिडोविडिन हम करते हैं, पेशेंट का भी ZLD पे भी होता है, और वो जेनेटिक बैरियर का भी ये होता है, और वो थोड़े जिडोविडिन रेजिस्टेंट म्यूटेंट रिड्यूसेस HIV फिटनेस भी होता है। अभी इसका डोज वो मैंने बोला कि वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में देते हैं, और 150 ट्वाइस अ डे यानी 300 मिलीग्राम उसका डोज है, और इसकी मैंने बोला टॉक्सिसिटी बहुत कम है, रेयरली ये स्किन रैश देते हैं। अभी हम देखेंगे अबाकावीर। अबाकावीर ये भी एक एनआर किया है, और ये अबाकावीर हमेशा लैमिविडिन के साथ देते हैं, और उनका रेशो क्या होता है, 60-13 पीडियाट्रिक्स होता है और 600-300 इन एडल्ट्स होता है, और ये फूड के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन उसके जो अबाकावीर के जो लेस देन 5% एडल्ट एंड चिल्ड्रंस है उनको हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा आती है, और वो HLA-B5701 जीन्स की वजह से आती है, और जब ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आते हैं तो हम बहुत फैटल होते हैं। तो ऐसे में अबाकावीर स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिएक्शंस आते हैं तो बहुत ही ग्रेव होते हैं, और एक बार उस रिएक्शन आए तो स्टॉप कर देते हैं और फिर से कभी भी अबाकावीर उसमें नहीं देते। ये 300 मिलीग्राम होता है, और उसका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो मैंने बोला वो 3-5% पेशेंट में आता है, और उनसे इससे फीवर, रैश, फटीग, नौशिया, वॉमिटिंग भी होता है, और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी होते हैं उसमें, थ्रोट पेन होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस और ब्रेथलेस होते हैं। तो अगर ये आया, मैं फिर से दोहराती हूँ, अगर ये फैटल रिएक्शंस आते हैं तो ये ड्रग स्टॉप करना पड़ता है अबाकावीर, और फिर से कभी भी नहीं, यानी कभी भी नहीं देते, क्योंकि ये बहुत ही फैटल होता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। और तीसरा जो अभी नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इनहिबिटर्स, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ये नॉन कॉम्पिटेंटली ब्लॉक, ये क्या करते हैं ड्रग्स, ये नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड इनहिबिटर्स होते हैं, वो जो एंजाइम है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उनको ब्लॉक करते हैं, और ये सिर्फ HIV 1 पेशेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर ही वो एक्ट होते हैं। और हिपैटिक साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम जो है उसके साथ वो रिएक्शन करते हैं, और ये जो ड्रग्स है NNRTIs वो हिपैटिक रूप से ये होते हैं, और वो कौन से ड्रग्स है, इफेवरेंस है और दूसरा नेवरापिन है। तो जो इफेवरेंस है, आपने सुना होगा कि TLE, तो उसमें टीनोफोर लैमिविडिन और इफेवरेंस थे, तो ये जो टीनोफोर था उसके इसमें जो इफेवरेंस था, तो इफेवरेंस क्या है, तो सिर्फ HIV 1 पेशेंट पे एक्टिव है और वो HIV 2 पेशेंट पे एक्टिव नहीं होता है,
दूसरा उसकी बायो अवेलेबिलिटी, यानी जब वो फैटी मिल के साथ लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। फैटी जब मिल लेते हैं चर्बी युक्त, तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है और वो इफेवरेंस बेस्ड एआरटी किसको देते हैं, तो वो न्यू एडल्ट पीएलएचआईवी पे देते हैं और वो चिल्ड्रन में भी देते हैं। अगर वो चिल्ड्रन मोर देन 3 इयर्स का होगा और उसका वेट अगर 10 किलो से ज़्यादा होगा तो उसमें भी इफेवरेंस देते हैं। अभी एडल्ट डोज उसका कितना है, तो 600 मिलीग्राम वंस डेली देते हैं। और अगर आप उसको बेड टाइम देते हैं तो सीएनएस के जो साइड इफेक्ट्स है उसमें कम पाए जाते हैं। वो ज़्यादा करके इफेवरेंस, अगर पेशेंट इफेवरेंस पे है तो उसको नाइट में ही वो डोज लेना पड़ता है। और वो टीएलई मीन्स वो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में होता है। अभी इसके साइड इफेक्ट्स अगर आप देखें तो सीएनएस साइड इफेक्ट्स होते हैं, डिजीनेस होता है, एबनॉर्मल ड्रीम्स उसको आते हैं, नाइट स्मेयर्स आते हैं। और साइकेट्रिक सिम्टम्स क्या होता है, एनजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, कन्फ्यूजन होता है, हेलुसिनेशंस होता है और सुसाइडल टेंडेंसी भी होते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस भी उसमें होते हैं और कभी कभी रैश भी आते हैं उसमें। तो ये जो हो गया वो इफेवरेंस का हो गया। अभी जो दूसरा जो एनएमआरटीआ है वो नेवरापिन है, और नेवरापिन क्या करता है, वो सिर्फ HIV 1 के ऊपर एक्टिव है और वो HIV 2 पेशेंट पे नेवरापिन एक्ट नहीं करता है। इसको जो बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, मीन्स वो जो पेशेंट के ऊपर अगर वो यूज़ करते हैं तो पेशेंट सेफली उसका सेवन करता है, और कोई भी फूड अगर लिया खाना लिया तो उस पर उसका कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। मीन्स कभी कभी हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो अगर खाना खाने के बाद लेते हैं तो उसका जो पोटेंसी है वो कम होता है, तो ऐसा ये ड्रग्स के लिए नहीं है। इससे पहले जो हिस्टोरिकल जब ड्रग्स नहीं थे तो प्रेग्नेंट वीमेन में वो 200 मिलीग्राम का सिंगल डोज यूज करते थे ताकि वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है मदर टू चाइल्ड HIV का फैलाव है वो नहीं होता था। लेकिन अभी ये ड्रग्स वैसे नहीं यूज करते। अभी ये नेविरापिन क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट है, वो 100 मिलीग्राम्स देते हैं 14 दिन के लिए और बाद में 200 मिलीग्राम वन बीड़ी देते हैं। अभी इसके एडवर्स इफेक्ट ये कौन से, तो लिवर पे अफेक्ट ज़्यादा होता है, एक तो हिपेटाइटिस देता है, यूजुअली वो 12 वीक्स के पहले ही हिपेटाइटिस के जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, और वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हिपेटिक टॉक्सिसिटी भी होती है। दूसरा वो स्किन रैश भी देते हैं और ऑकेजनली वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो बोलते हैं वो टॉक्सिक्स एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, उसमें क्या होता है, अपनी जो चमड़ी है त्वचा है उसके ऊपर अफेक्ट होता है और वो नेक्रोज होती है और ये बहुत ही भयानक रिएक्शंस होता है। और वो सीवियर हिपेटाइटिस टॉक्सिसिटी जो होते हैं वो, और 4 और 5 डिग्री का जो स्किन रैशेस है वो भी अगर आया तो वो ड्रग्स स्टॉप करते हैं और फिर से वो ड्रग्स कभी देते नहीं है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये जो ड्रग्स है वो, अभी हमने नेविरापिन का देखा तो अभी इसके बाद देखते हैं अभी ये प्रोटीनेज इनहिबिटर क्या है। तो एटाजिनाविर है, लोपिनाविर है, दारुनाविर है, और ये लास्ट स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन जो सेक्टर है ना उसके ऊपर एक्ट करता है। ये प्रिवेंट्स करता है कि जो रिलीज ऑफ HIV वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में से जो वायरसेस निकलते हैं उसको ही वो बाइंड करके उसको प्रिवेंट करता है। और ये एक्सेसिवली मेटाबोलाइज बाय साइटोक्रोम एंजाइम्स लाइक CYP3A4 एंड अदर्स। तो ये जो बूस्टर्स पिया है वो एटाजिना
रेटिनोवायरल बूस्टर स्पीयर, एटाजेनोवायरल, लोपिनोवायरल, दारुनोवायरल है, और ये हमेशा इससे रेटिनोवायरल से बूस्टेड होते हैं। अभी रेटिनोवायरल बूस्टेड पीआर यूज क्या करते हैं, वो अल्टर लाइन फर्स्ट एआरटी और सेकंड लाइन एआरटी में यूज करते हैं। इसका मतलब क्या कि जब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो टीएलडी या पहले जेडएलडी था, पहले पीएलई था, वो अगर फेल होता है तो ये रेटिनोवायरल बूस्टेड पीआर यूज करते थे। उसमें एटाजेनोवायरल बूस्टेड रेटिनोवायरल होता है, लोपिनोवायरल बूस्टेड रेटिनोवायरल होता है, और ये जो रेटिनोवायरल बूस्टेड पीआर है ये थर्ड लाइन रेजिन में भी यूज करते हैं, उसमें दारुनोवायरल और रेटिनोवायरल होता है। तो रेटिनोवायरल जो है वो 100 मिलीग्राम दो टाइम देते हैं, और उसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है, तो डायरिया है, नौशिया है, वॉमिटिंग है और एब्डोमिनल पेन है। और रेयरली कौन से देते हैं कि वो पैरास्थेशिया भी कभी कभी देते हैं, लेकिन वो रेयर होता है पैरास्थेशिया। अभी एटाजेनोवायरल जो है वो अगेंस्ट एचआईवी वन के अगेंस्ट काम करता है, और उसका वेरिएबिलिटी जो बोलते हैं ना, मीन्स कभी कभी वो एचआईवी टू के ऊपर भी वो काम करते हुए देखा है, लेकिन उसका जो काम करने का जो तरीका है वो ज़्यादा करके एचआईवी वन में ही देखा है। अगर आप ये ड्रग्स फूड के साथ लेते हैं तो उनकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन्स बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। एटाजेनोवायरल भी ड्रग्स है, प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं वो। और एडल्ट डोज कितना है, तो 300 मिलीग्राम एटाजेनोवायरल है प्लस 100 मिलीग्राम रेटिनोवायरल है, और वो दिन में एक बार देते हैं। अभी इसके जो एडवर्स रिएक्शंस हैं, एक अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया होता है, मीन्स जो बिलीरुबिन होता है वो ज़्यादा होता है अनकॉन्जुगेटेड, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होता है। स्किन रैश आते हैं, लिपिड एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया होते हैं, मीन्स शक्कर ज़्यादा होती है, नेफ्रोलिथियासिस में स्टोन भी हो सकते हैं, उसमें पोलिलिथियासिस मीन्स बाइल स्टोन्स भी इससे होते हैं। और पीआर जो ईसीजी में जो पीआर प्रोलॉन्ग होता है, मीन्स इंटरवल होता है पीआर ईसीजी का, वो प्रोलॉन्ग होता है। और फैट्स का भी माल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखा गया है। अभी लोपिनोवायरल जो है वो इसमें किसमें, वो एचआईवी वन में भी एक्टिव है, एचआईवी टू में भी एक्टिव है, और लोपिनोवायरल बूस्टेड बाय को एडमिनिस्टर रेटिनोवायरल। लोपिनोवायरल हमेशा रेटिनोवायरल के साथ ही देते हैं, क्योंकि उसका लोपिनोवायरल बूस्टेड रेटिनोवायरल सिरप भी है, पीडियाट्रिक टैबलेट्स भी है, और एडल्ट डोज भी। एडल्ट डोज कितना है, तो 200 मिलीग्राम लोपिनोवायरल है और 50 मिलीग्राम रेटिनोवायरल, ये फिक्स डोज टैबलेट्स में होते हैं, और इसके टू टैबलेट्स ट्वाइस डेली देते हैं। अब इसके एडवर्स रिएक्शंस जो बोलते हैं ना, साइड इफेक्ट्स, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल है, डायरिया है, नौशिया, वॉमिटिंग है, एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल भी मिलता है, और ग्लूकोज इंटरवल्स भी देखते हैं, और यूज विथ कॉशंस विथ हिपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन अगर होगा तो उसमें बहुत संभाल के उसका यूज करना पड़ता है। तीसरा जो है दारुनोवायरल, दारुनोवायरल हाईली पोटेंट है, लेबोरेटरी स्टेन्स है, क्लिनिकल आइसोलेशन है, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एचआईवी में यूज किया जाता है। अपने यहाँ अभी उसका यूज नहीं होता है, लेकिन रेटिनोवायरल बूस्टेड दारुनोवायरल रिजर्व फॉर थर्ड लाइन ट्रीटमेंट में ही वो देते हैं। अभी इसका एडल्ट डोज कितना है, तो 600 मिलीग्राम टैबलेट्स है, वन टैबलेट ट्वाइस डेली देते हैं, और वो हमेशा रेटिनोवायरल 100 मिलीग्राम ट्वाइस डेली के साथ ही देते हैं। अभी दारुनोवायरल का जो आप एडवर्स रिएक्शंस देखते हैं, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी है, स्किन रैश है, डायरिया है, नौशिया है, हेडेक, हाइपरलिपिडिमिया है, सीरम ट्रांसमाइनेजेस इंक्रीजेस होते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया होते हैं, लाइपोडिस्ट्रोफी, मीन्स आपने देखा होगा इधर ये जो है वो जो चीक है, जो वो चीन भी डबल होती है, उसमें डिपॉजिट होते हैं चर्बी। इंटीग्रेस इनहिबिटर जो है वो क्या करते हैं, वो
इंटीग्रेट्स की एक्शन ब्लॉक करते हैं, और ये वायरल एंजाइम है और इंसर्ट वायरल जीनोम में जाते हैं, जो है वो डॉलिटाग्राविर है। वो डॉलिटाग्राविर अभी तो सब पेशेंट हमने पीएलई से डी के ऊपर शिफ्ट किए। मैंने वो डॉलिटाग्राविर का लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इसका साइड इफेक्ट्स भी कम है, लेकिन मैं वो साइड इफेक्ट्स बताऊंगी, लेकिन उसके एडवांटेजेस ज़्यादा है। ये HIV-1, HIV-2, HIV-1-2, मिक्स HIV-1 और वीमन एक्सपोज टू नेविरापिन डोज, अगर पेशेंट को टीबी है, अगर पेशेंट को हिपेटाइटिस बी और सी है, तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स डॉलिटाग्राविर का जो यूज़ है वो वाइड यूज़ है और सब ग्रुप में हम दे सकते हैं। और इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर लेडी होगी तो वो अगर प्रेग्नेंट है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, तो हम उनको बोलते हैं कि बाबा इससे न्यूरल ट्यूबल डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक 0.01 ही जो न्यूरल ट्यूबल इफेक्ट है वो पाया गया है। तो भी हम उनको जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनको बोलते हैं और अश्योर करते हैं कि वैसे भी डॉलिटाग्राविर बहुत अच्छा ड्रग है, तो आप उसको लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे ही ये करते हैं तो वायरल लोड विद इन 4 वीक्स में कम होता है, अच्छा रिजल्ट्स आता है, और लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स है, मेन साइड इफेक्ट्स, वो एक तो वेट गेन है, दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, और अपना जो हिपेटिक टॉक्सिसिटी भी होता है, लेकिन इतना नहीं उसका मायने रखता है, और इंसोमनिया होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस, टायर्डनेस होता है, और मैंने बोला फेटल न्यूरल डिफेक्ट होता है, लेकिन बहुत उसका जो चांसेस है कम है, और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, लिवर डिरेंजमेंट भी उसमें देखते हैं। लेकिन ये जो है, अगर कोई पेशेंट पे हिपेटाइटिस बी है, सी है, और डिरेंज एलेप्टी है, लिवर फंक्शन टेस्ट है, तो उनको संभाल के ये देना पड़ता है, लेकिन अभी तक उसके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं। इसलिए 96% पेशेंट जो है अपने PLHIV वो आज TLD के ऊपर है। तो ये सब आज मैंने डिटेल में आपको सब जो ड्रग्स है वो कौन से स्टेटस पे, मीन्स HIV-1 HIV-2 पे एक्ट होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये मैंने बताए। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ये मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ये आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।